हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 to 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ये वाले लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो देखते हैं किस किस के रिलेटेड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। अब एम्प्टी सेट का दूसरा नाम था नल सेट और वॉइड सेट। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एम्प्टी यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो हम सेट को कैसे डिनोट करते थे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखे तब वो हमारा सेट बन जाएगा एम्प्टी सेट अथवा तो वॉइड सेट या फिर नल सेट। इसका दूसरा नोटेशन 5b है, वो भी सेम ही रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट खाली है। उसके बाद हमने देखा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन यानी सिंगल, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट यानी ओनली सिंगल एलिमेंट है, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि आपके पास सेट के अंदर ओनली वन है, तो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आपके पास सेट के अंदर 2 and 6 है, तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एक ये एंड ये दूसरा 2 एलिमेंट है। वैसे ही अगर कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सी, तो यहाँ पर भी एक आपके पास सिंगल एलिमेंट है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल बनेगा? सिंगलटन सेट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट। फाइनाइट यानी क्या? कि आप गिन सको, यानी कोई भी सेट जिसके अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट हो गए उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। उसके बाद हमने देखा था इनफाइनाइट सेट, कि जो सेट फाइनाइट नहीं है, जो सेट फाइनाइट नहीं है उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी यानी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट नहीं है उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने देखा था इक्वल सेट। अगर आपके पास 2 सेट है, मान लो कि पहला सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 है एंड दूसरा सेट है जिसके अंदर 2, 3, 1 and 4 है, तो ऐसे 2 सेट को इक्वल कहेंगे कि जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हो एंड दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में हो, यानी दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम नंबर एंड सेम एलिमेंट, यहाँ पर दोनों होना चाहिए। क्या कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अगर पहले सेट में 3 एलिमेंट है तो दूसरे वाले सेट के अंदर भी आपके पास 3 एलिमेंट ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी नहीं और 3 से कम भी नहीं। एंड दूसरी चीज क्या कि दोनों में एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे वो दोनों इक्वल सेट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले वाले सेट के अंदर 3 एलिमेंट है जबकि दूसरे वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1, 2, 3 एंड दूसरे वाले सेट में 2, 1, 3 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट, एडिशनली यहाँ पर 1 है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर 3 है वो यहाँ पर भी है। एंड सेम उल्टा भी आप चेक कर सकते हो कि नीचे वाले सेट के सारे एलिमेंट ऊपर भी है, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो अगर ये पहला वाला सेट ए है एंड नीचे वाला सेट बी है, तो आपका हो जाएगा ए इक्वल टू बी, ये आपका नोटेशन है। अगर 2 सेट इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, मैं उसको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपके पास 2 सेट है, ए इज इक्वल टू है 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू है 2, 3, तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन पहले वाले सेट में 1 है जो दूसरे वाले सेट के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेट इक्वल नहीं है। तो उसको आप कहोगे ए डस नॉट इक्वल टू बी। सिंपली इक्वल की साइन के ऊपर आपको क्रॉस मार्क बना देना है। अब हम नल सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, अनइक्वल सेट, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स नल सेट बनेंगे वो आपको बताने हैं।
तो सबसे पहला सेट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल्स नंबर डिविजिबल बाय टू, यानी यहां पर क्या है कि आपको ऐसे नंबर का सेट बनाना है जो ऑड हो, नेचुरल नंबर हो एंड वो डिविजिबल बाय टू हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपके पास नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड एक्सेट्रा। अब उसमें से आपको ऑड वाले ही सिर्फ चाहिए, तो ये इवन वाले निकाल दो, तो मैं उसके ऊपर क्रॉस मार्क बना देता हूँ। इसके बाद भी 8 आएगा, वो भी कैंसिल कर देना है आपको। उसके बाद देखना है कि अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बचे। अब आपके पास बन गया सेट 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। अब इसमें से आपको डिविजिबल बाय टू कौन कौन से है वो देखो। 1 डिविजिबल बाय टू है, नहीं तो ये नहीं आएगा। 3 डिविजिबल बाय टू है, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। वैसे एक भी एलिमेंट यहां से नहीं आएगा, तो आपका जो फाइनल सेट है वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो यस, ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल यानी नल सेट का एग्जाम्पल बनेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर, कि एक्स लेस देन 5 हो एंड एक्स ग्रेटर देन 7 हो। यानी आपको ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं कि जो 5 से कम हो एंड 7 से बड़े हो। तो हमें पता है कि 5 से छोटे एंड 7 से बड़े, यानी अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड एक्सेट्रा। तो हमें पता है कि 5 से छोटा नंबर हो गया तो ये 4 आएगी एंड उसमें से साथ में क्या है, यहाँ पर एंड है एंड एक्स ग्रेटर देन 7। यहाँ पर आपको 5 से छोटे नेचुरल नंबर एंड जो 7 से बड़े भी होने चाहिए। तो हमें पता है कि जो नंबर 5 से छोटे है यानी ये 4 नंबर, वो ऑब्वियसली 7 से बड़े नहीं हो सकते। तो ये वाला जो आपका सेट बनेगा वो भी कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा है। जो 5 से छोटे भी हो एंड 7 से बड़े भी हो ऐसे नेचुरल नंबर आपको लेने हैं, तो वो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये सेट आपका एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इवन नंबर का सेट है वो लिख देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड एक्सेट्रा। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से वो देखो। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, वो नंबर खुद एंड 1। तो यहाँ पर प्राइम नंबर ओनली 2 ही मिलेगा एंड बाकी के जो सारे हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये आपको जो पूछा गया है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स वो क्या होगा, ओनली 2 यानी सिंगलटन 2 आएगा। तो ये सेट आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जितने भी एग्जांपल है उसमें से कौन से सेट फाइनाइट है एंड कौन से सेट इनफाइनाइट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी मंथ में कितने मंथ्स होते हैं उसका कलेक्शन, उसका सेट्स बनाना है। तो वो क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वैसे करके दिसंबर तक आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि ईयर में ओनली 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर जो आपके 12 एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट बनेगा। तो ये सेट आपका है फाइनाइट। नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर 3 डॉट लगाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक जाना है। तो ये सेट खुद ही बोल देता है कि मैं इन्फाइनाइट तक जा रहा हूँ, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 1 से 99 का कलेक्शन लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 एंड डॉट 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 लास्ट में 99 तक आपको जाना है। अब उसमें से कौन से हैं, आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या आएगा, 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है एंड कंपोजिट नहीं है, तो उसको नहीं करना है। उसके बाद 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, 5 आएगा, 6 कंपोजिट हो जाएगा तो ये नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 कंपोजिट हो जाएगा इसलिए नहीं आएगा, वैसे 9 भी नहीं आएगा। तो आप देखो तो यहाँ पर आपके पास टोटल 99 नंबर्स की चॉइस थी, आपके पास टोटल 1 से लेके 99 नंबर है एंड उसमें से कुछ ही नंबर्स आपके प्राइम नंबर बन रहे हैं एंड कुछ नंबर आपके कंपोजिट हो गए। तो यहाँ से हमें पता है कि प्राइम नंबर के जो नंबर्स हो गए वो ज्यादा से ज्यादा प्राइम नंबर्स कितने मिल सकते हैं, 99 जितने। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल 99 नंबर है एंड उसमें से प्राइम नंबर कितने बनेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 99, उससे तो ज्यादा बनेंगे नहीं। तो हमारा ये जो सेट बनेगा वो कैसा होगा, फाइनाइट ही, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 99 एलिमेंट आएंगे, 99 से एक भी एलिमेंट ज्यादा नहीं होगा। तो ये कैसा सेट आपका हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक्चुअली सेट बनाया नहीं कि कौन सा सेट हो रहा है, लेकिन उसके बिना भी हम कह सकते हैं कि वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें 1 से 99 नंबर लेने हैं पहले तो, एंड उसमें से चेक करना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो टोटल 99 नंबर एंड उसमें से प्राइम नंबर तो कुछ ही हो गए, तो वो उसके जो प्राइम नंबर बनेंगे 1 से 99 के बीच में, तो वो भी ऐसे 99 से कम हो गए। तो 99 ही एक फाइनाइट नंबर है, तो उससे कम है तो वो ऑब्वियसली फाइनाइट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ऐसे करते करते लास्ट में एक्स वाई जेड, तो ये आपके पास टोटल हो गए 26 लेटर। तो ये वाले जो सेट है उसमें कितने लेटर्स आएंगे, 26 एलिमेंट्स आएंगे। तो 26 एलिमेंट ये वाले सेट के अंदर आएंगे, तो ये सेट आपका कैसा बन जाएगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल्स में जो जो आ रहे हैं वो सारे नंबर का सेट बनाना है। तो 5 खुद पहले तो 5 के मल्टीपल में होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 20, 25, वैसे करते करते आपको इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर 125 लोगे वो भी 5 का मल्टीपल ही होगा, वैसे ही आप 625 लो या कोई भी ऐसे नंबर्स हो कि जिसमें लास्ट डिजिट में 5 या फिर 0 आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल्स बन जाएगा एंड वैसे हमें इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट मिलेंगे। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर आपको 5 की नहीं पता है कि 5 कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो 5 की क्या होती है कि ऐसे नंबर के जिसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या तो 0 हो या फिर 5 हो, ऐसे नंबर्स जो होंगे वो 5 से डिविजिबल होंगे, यानी वो सारे नंबर 5 के मल्टीपल्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी 0,0 से जितने भी सर्कल पास हो रहे हैं वैसे सर्कल का आपको कलेक्शन लेना है। तो मान लो कि मैं उसको ग्राफ की मदद से बताता हूं कि ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर ये आपका पॉइंट है 0,0। अब 0,0 से ऐसे पास होता हुआ मैं सर्कल बनाऊ तो ये 0,0 से पास हो रहा है। अब इससे थोड़ा कम रेडियस का बनाता हूँ वो भी है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसा बड़ा सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे नीचे की साइड लू, इतना ऊपर छोटा लू, वैसे लू, तो यहाँ पर आपको पता है कि इनफाइनेटली मेनी सर्कल मिलेंगे कि जो 0,0 से पास हो रहे होंगे, क्योंकि आप उसकी रेडियस थोड़ी बढ़ाते जाओ जो 0,0 से पास हो रहा है एंड रेडियस थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ, तो वो आपका कैसा सर्कल बन जाएगा, 0,0 से पास होता हुआ
तो ये सेट भी आपका कैसा सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी आपको चेक करना है कि ए इक्वल टू बी हो रहा है या फिर ए डस नॉट इक्वल टू बी है, यानी दो सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट राइट हैंड वाले सेट से इक्वल है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट ए बी सी डी। दूसरा सेट है कैपिटल बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जब भी आपको चेक करना हो कि दो सेट इक्वल है या नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप चेक करोगे कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अगर फाइनाइट है एंड दोनों में, अगर दोनों सेट फाइनाइट है एंड एक में 3 एलिमेंट है एंड एक में 5 एलिमेंट है, तो आप डायरेक्टली कह देने हैं कि वो दोनों सेट इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आपको मिलता है कि सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है एंड बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 4। सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे कि सेट ए में से कोई एक एलिमेंट उठाओ, वो सेट बी के अंदर मिलना चाहिए। तो सेट ए के अंदर से मैं स्मॉल ए उठाता हूँ, तो वो मुझे सेट बी के अंदर मिल रहा है, ये रहा। अब सेट ए में से मैं बी उठाता हूँ, तो वो भी मुझे सेट बी के अंदर मिल रहा है। वैसे ही सेट ए के अंदर से सी उठाऊंगा, वो भी मुझे मिल रहा है। एंड डी उठाऊंगा, वो भी मुझे बी के अंदर मिल रहा है। वैसे ही आप उल्टा भी देखो, यहाँ से यहाँ तक का, तो भी आपके पास डी है, वो यहाँ पर है सेट ए के अंदर। सेट बी में से आप सी उठाओ, वो भी यहाँ पर सेट ए के अंदर है। वैसे ही बी एंड ए भी सेट ए के अंदर है। तो यहाँ पर ये आपका सेट कैसा हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट नोट भी लगा सकते हो। कौन सी नोट, कि अगर दो सेट फाइनाइट है, क्या है, दोनों सेट अगर फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है एंड दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों के अंदर, तो आपको क्या चेक करना है, ओनली वन वे चेक करोगे तो भी चलेगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए। उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट विथ फाइनाइट सेट, इसलिए आपको उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ 10। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ए के जो सेट के एलिमेंट है उसको लिस्टिंग फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगी कि ऐसे एक्स आएंगे कि जो 10 के मल्टीपल है। तो 10 के मल्टीपल क्या हो गए, 10, 20, 30, 40, 50 एंड एक्सेट्रा। उसके बाद सेट बी तो हमें लिस्टिंग फॉर्म में ही दिया है, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख देता हूँ 10, 15, 20, 25, 30 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तो दोनों सेट इनफाइनाइट है, तब हम वो वाला नहीं देखेंगे कि दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है या नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या करना है कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट उठाओ, वो सेट बी के अंदर होना चाहिए। तो यस, सेट ए का मैंने 10 उठाया, वो सेट बी के अंदर मिल रहा है। अब सेट ए का मैंने 20 उठाया, तो वो भी सेट बी के अंदर मिल रहा है। सेट ए का 30 उठाया, वो भी मिल रहा है। लेकिन मैं उल्टा देखूं कि सेट बी में से मैं 15 उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ, 15, तो वो आपको सेट ए के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका 15 है वो आपके 10 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए
ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो यहां पर होगा ए डस नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के अंदर 15 है, क्योंकि सेट बी के अंदर आपको एक एलिमेंट 15 मिल रहा है जो सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। आपको एटलीस्ट वन एलिमेंट मिल जाए कि जो एक सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, तो वो दो सेट इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 2, 3 एंड बी है x, सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। तो सबसे पहले तो a तो आपको लिफ्टिंग फॉर्म में ही दिया है, लेकिन जो b है वो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन जो भी बनेंगे वो आपके सेट के एलिमेंट बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x² + 5x + 6 = 0 है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि 5x को स्प्लिट करना होगा। कैसे स्प्लिट करना होगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आए एंड उसका एडिशन 5x हो जाए। तो यहाँ पर जो 5 है उसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए एंड एडिशन 5 आए। तो x² + 2x + 3x + 6 = 0 implies यहाँ पर से x कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x + 2 एंड यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x + 2। अब फिर से x + 2 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x + 2 × x + 3 एंड यहाँ पर = 0। अब x + 2 जीरो कब होगा? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x + 2 = 0 और x + 3 = 0। अब x + 2 जीरो कब होगा कि जब x की वैल्यू -2 होगी तब, और x + 3 जीरो कब होगा जब x की वैल्यू -3 होगी तब। तो इसके जो रूट्स क्या आए, तो यहाँ पर x के सॉल्यूशन क्या मिले, -2 एंड -3। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके लिखता हूँ, a तो आपका वही रहेगा 2 एंड 3, क्योंकि वो ऑलरेडी लिफ्टिंग फॉर्म में दिया गया है। b है वो सेट बिल्डर फॉर्म में था तो उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो क्या होगा, -2 एंड -3। तो अब तो आप तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, लेकिन सेट a का जो 2 है वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको एटलीस्ट वन एलिमेंट मिलना चाहिए जो एक सेट में है लेकिन दूसरे वाले सेट में नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कह सकोगे कि a does not equal to b। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या करोगे कि आपको चेक करना है कि सेट ए क्या दिया गया है, ये वाला। अब वो सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट 2 उठाओ, वो सेट बी में कब आएगा कि जब वो आपका ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये वाले जो 2 है उसको आप ये वाले इक्वेशन के अंदर रख दो तो क्या मिलेगा, x की जगह पर 2 लिखना है तो 2² + 5 × 2 + 6, तो क्या मिलेगा, 4 + 10 + 6, तो ये हो जाएगा 20 एंड 20 डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये वाला जो 2 है वो आपके सेट b के अंदर नहीं आएगा। तो वहां से भी आप कह सकते हो कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज्यादा मेथड भी हो सकती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।